मैं क्या भी बाबा नंद सिंह जी महाराज नानकसर महापुरख श्री बाबा नंद सिंह जी नानकसर दे सारे नानकसर च उन्होंने हुक्म चलता सी। फिर आ गए बाबा ईश्वर सिंह जी सारे पासे होए तां बाबा ईश्वर सिंह जी आए। आउण तो बाद जदों बाबा ईश्वर सिंह जी आए जिहड़ा भी कोई विरोधता दे पक्ष खड़ा सी उन्हूं जिहड़े सेवादार संगी विहंगम सी उन्होंने किसे ना किसे तरीके वो आप ही पासे हो गए जा करता। कल्ले बाबा ईश्वर सिंह दा हुक्म चलता सी ते मैं क्या हुण बाबा कुंदन सिंह जी महाराज जी महापुरख ने ते इन्ने क्यों बैठे हुए ने पर उन्दे विचों गुण मिलता सी कि बाबा कुंदन सिंह जी महाराज अपने मुखार बिंतू कहिंदे सी केंदे इन्हां ने बाबा जी की सेवा की सारिया ने असी इन्हां नूं किसे नूं हिला नहीं सकते इन्हां दे अंदर बाबा ईश्वर सिंह जी बैठे आखो श्री वाहे क्योंकि जिन्हें भी सेवक सी फिर बाबा जी सत्कार करते जिवें बाबा तन्हा सिंह जी ने दस्या कि बाबा जगीर सिंह जी अंदर आसन ते सेवा करते सी दास ने भी तकिया आसन ते सेवादार कई आए बाद विच कई ने आण के जिद नाल चलाकी नाल भी सेवा उतों दी मंगी जा कीती कर नहीं सके। जो सेवा बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जी दे आसन की सेवा बाबा जगीर सिंह जी ने निभाई है बाबा ईश्वर सिंह जी तो बाद किन्ने साल जी नानक सर 12 साल सेवा निभाई उवें कोई भी बाबा जी दे आसन ते थाल नहीं लवा सकिया उवें कोई बाबा जी की सेवा नहीं कर सकिया। जिन्हां दे मुरशद हिरदे विच बस जाण सुल्तान बाहू ने मुरशद के बारे लिखा है कि मुरशद आपदा कितनी को वड्डी वस्तु है। उन्हें कहा भी जे मैनू परमेश्वर सारे शरीर ते अखियां ही अखियां ला देना ते मैं मुरशद देखना रज्जा हूँ। उन्हां दा ये वड्डी निशानी है कविता दी दोहरिया दी उन्हां दे पिछे हू आउंदा है मुरशद देखना रज्जा हूँ। केंदे एक एक रोम च मेरे करोड़ां करोड़ां अखां लग जाण केवल मुरशद देखण वास्ते पर केंदे ये भी थोड़ियां इन्नियां अखियां दे नाल भी केंदे मैं रजदा नहीं जे होर मैनूं अखां मिलदियां हुण ते मैं ओह लैणा किसे तों होर अखियां वास्ते उपराला करां होर अखां लैण भज्जां हूँ। वो कहिंदे फिर ये कादे वास्ते क्यों की खूबी है कहिंदे मुरशद दा दीदार बाहू लख करोड़ी हजा हूँ। कहिंदे एक हज कीता मुसलमान हाजी बन गया पर जिन्हें मुरशद दा एक बारी दीदार कीता ना उन्हें लखां करोड़ां हज कर ले इन्ना फल है दर्शन करदिया ही सारे दुख दलिद्र दूर हो जाते। दर्शन किते सतगुर जी दे दुख रोग बिछोड़े नसे रहे कैम ये समा हमेशा ना दिल दुख विच फसे। दर्शन करके अपने गुरुआं दे अपने मुरशद दे सारे दुख तकलीफा दलिद्र सारे भुल जाते। सेवा करते करते सुनिया मैं क्या भी
पारस हुंदा है, पर कोई ऐसा बंदा नहीं मैनू मिलिया कि जिन्हें पारस बारे कोई होवे भी मैं आप पारस वेखिया जिहड़ा लोहे नूं कंचन करदा सुनिया है। बामण चंदन बारे सुनिया मैं, सारे हिंदुस्तान च गया जिथे चंदन हुंदा है, मैसूर वगैरह चंदन दे बूटे वेखे, फिर मैं खोजदा रहा भी इहदे नाल आ बूटा निम आ निम दा ये चंदन हो गया, कहिंदे नहीं आ किकर जा कोई चीज़ खड़ी है, कहिंदे नहीं जी ये चंदन दा बूटा ही चंदन रहिंदा, दूजा चंदन नहीं हुंदा। वह बामण चंदन है, वह बामण चंदन किसे देखिया नहीं, कहिंदे 52 उंगलों का हुंदा है, उंदे पासे जिन्ने भी बूटे होण सारे चंदन हो जांदे आ। पारस किसे ने वेख्या नहीं कि जिहड़ा पारस कंचन करदा है, चंदन किसे ने वह वेख्या नहीं जिहड़ा दूजियां नूं भी चंदन कर दिंदा है, रिंड वापरे संग तुम्हारे बासा, जिन्ने भी पास खड़े चंदन हो जाण ये भी किसे नहीं देखिया। पर महापुरश पारस महापुरख चंदन वो असी जरूर देखिया, आखो सी जिन्हों तो प जिन्हों तो लोहा कंचन होंदा है, महापुरख बाबा कुंदन सिंह जी जिहड़े लोहे नूं भी कुंदन कर देंदे आ, जिहड़े रिंड वर्गियां नूं निम वर्गियां कौड़ियां नूं भी चंदन करन वाले वो महापुरश जरूर देखे आ। पर ऐसे महापुरश जिहड़े कहिंदे ने पारस और चंदन में बड़ो अंतरो जान, पारस और संतन में बड़ो अंतरो जान, कहिंदे बड़ा फर्क है पारस ते संत विच, संत बड़ा है पारस नहीं उन्ना बड़ा, कहिंदे पारस छोटा है, असी कह दिंदे आ संत पारस है, पर पारस ते संतां विच फर्क बड़ा है। कहिंदे वो लोहो कंचन करे वो करे आप समान, वो तां आपदे वर्गी बना लैंदे आ, महापुरश तां आपदे वर्गी बना जांदे आ, पर वो लोहे नूं कंचन करदे आ। धन धन महापुरश, धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, जिन्हां नूं बाबा जी ने कहा सी नाम लैके कुंदन, कथनी कहिंदे मैं करन लग पिया दुआण च, ते बाबा जी आए, बाबा जी सुन के ये नहीं कहा भी वाह वाह वधिया बहुत सोहना तू करिया कर, ओ कहिंदे कथनियां तां सारे करदे आ, करनी करके विखा, करनी बाबा जी दी करनी प्रधान सी, कदी बाबा जी ने सानू कोई उपदेश नहीं दिता कि तुसी इस तरह करना, तुसी आ करो, तुसी ओ करो, बाबा जी दे जीवन वल वेख के सानू शर्म आउंदी रही कि इन्नियां सेवा बाबा जी गुरु साहब दियां करदे आ, असी मरे पए आ, असी बाबा जी दा जीवन ही साडे लई सेहत बणिया है, जो करदे सी ना जिवें सही ट्रेनिंग बच्चे नूं देनी होवे ते माँ बाप जो करदे आ ना बच्चे उही करदे आ, जो माँ बाप बच्चिआं नूं कहिंदे आ ना करो वो कदी नहीं करदे, माँ बाप वो करदे आ जो माँ बाप बच्चे वो करदे जो माँ बाप करदे हो, बच्चिआं नूं समत देनी जिहड़ी ये बाबा जी दा जीवन ही सी बहुत वड्डा।